ईरान ने इसराइल पर मंगलवार रात 180 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इनमें से ज्यादातर को इसराइल के डिफेंस सिस्टम ने विफल कर दिया। इसराइली डिफेंस सर्विसेज के मुताबिक हमले में किसी के भी गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी नहीं है। फुटेज से पता चलता है कि ईरान ने मोसाद हेडक्वार्टर, नोवातीम एयरबेस और तेल नोफ एयरबेस को निशाना बनाकर हमला किया था। इसराइल पर हमले के बाद ईरान ने इसराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को धमकी दी है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजशकियान ने कहा है कि हमने इसराइल की आक्रामकता का जवाब दिया है। यह ईरान के हितों और नागरिकों की रक्षा के लिए जरूरी था। ईरान के हमले के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ बैठक की। इसके बाद बाइडेन ने सेना से कहा कि वो ईरानी हमलों में इसराइल की रक्षा करे और इसराइल की तरफ से दागी गई मिसाइलों को मार गिराए। כמו במתקפת הטילים, גם מאחורי הפיגוע הזה יש יד מכוונת ורצחנית. היא מגיעה מטהרן. הערב איראן שוב תקפה את ישראל במאות טילים. המתקפה הזאת נכשלה. היא סוכלה בזכות מערך ההגנה האווירי של ישראל, שהוא המתקדם ביותר בעולם, ואני מברך את צה"ל על ההישג המרשים. היא גם סוכלה בזכות הערנות והאחריות שגיליתם אתם אזרחי ישראל. ואני מודה גם לארצות הברית. התמיכתה במאמץ ההגנה שלנו.